नमस्कार, भारतवर्ष YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्वता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1234 ई में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम किया, इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 तक यमनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी, लेकिन 1690 में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी। मराठों के शासनकाल में यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्थान की स्थापना, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 × 10.77 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.71 मीटर है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटी तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटी तीर्थ में फेंकवा दिया था। बाद में इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 में सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1970 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। तो दोस्तों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।